एवरीवन, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है? पोषक आहार. ओके, जो किसी को चाहिए प्लांट्स को, जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स को कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए, भोजन कैसे वो बनाते हैं, कैसे लेते हैं, वो यहाँ पे हमें जानना है. अ फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सभी को पता है फूड सभी के लिए ज़रूरत है, सभी के लिए ज़रूरत है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, किसी न किसी तरीके से सभी को फूड्स का ज़रूरत है. तो ये फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, तो अब हम देखते हैं फूड में, फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से हैं, फूड में क्या आते हैं ये. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फूड क्या से मिलके बना हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल. इन सब के मिलने से क्या बना है हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड बना है. ओके, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट्स. ये हमारे लिए पोषक तत्व है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं. ओके, आप देखते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड जरूरत है. ओके, तो प्लांट कैन मेक फूड देमसेल्फ. प्लांट जो है अपना फूड खुद से बनाते हैं, बट एनिमल्स बनाते हैं अपना फूड खुद से? नो, वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं. ह्यूमंस जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो प्लांट से अपना खाना लेते हैं. तो किसी न किसी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से ह्यूमंस या एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट. तो अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कौन कौन से मोड हैं प्लांट्स के न्यूट्रिशन के? तो इसके दो मोड हैं, एक है ऑटोट्रॉप्स, एक है ऑटोट्रॉप्स, दूसरा है हमारा हेटरोट्रॉप्स. क्या है हमारा दूसरा? हेटरोट्रॉप्स. अब है प्लांट आर ओनली दी ऑर्गेनिज्म, प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड. प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, प्लांट जो खुद अपना खाना बनाता है. क्या यूज़ करके? वो यूज़ क्या करता है अपने खाने बनाने के लिए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल. वो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओके, बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल. ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो रॉ मटेरियल वो हमारे आसपास में ही उसे मिल जाता है, उसे उसके आसपास में ही मिल जाता है. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, जो आसपास में उसको मिल जाता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, वो अपना खाना बनाता है, भोजन बनाता है, फूड बनाता है. ओके, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी. ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उसके बॉडी को बिल्ड करते हैं, उसके बॉडी को ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं. तो ये हम नोट करते हैं, ये भी नोट करने लायक हमारा है. सबसे पहले तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन prepare food for themselves by using what? By using water, carbon dioxide. Short form क्या है carbon dioxide का? CO2.
and minerals. Okay, इन सब के मिलने से क्या बनता है उनका भोजन, फूड बनता है. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. ओके, द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज. ये बॉडीज को बिल्ड करने में, ग्रो करने में, बॉडी टू ग्रो. ओके, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. ये लाइफ प्रोसेस को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है. न्यूट्रिशन अगर आपको सही तरीके से मिले तो क्या होता है, शरीर हमारा प्रॉपरली वर्क करता है और हमारा लाइफ प्रोसेस आगे की ओर बढ़ता है. टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोवाइड the energy to carry out life process. इसमें helpful होता है. ठीक है, अब nutrition का के mode को हम देखते हैं. Nutrition is mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organism make food themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस लिए? बिल्ड आवर बॉडी टू ग्रो, टू हेल्प ग्रो. तो इसलिए हमारा यूज होता है टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. बट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो दो प्रकार का हमारा यहाँ हम देख रहे हैं, एक ऑटोट्रॉपिक एक हेटरोट्रॉप. तो ऑटोट्रॉप क्या है? इसमें क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं ना वो अपना खाना खुद से बनाते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस. ओके, इसको ऑटोट्रॉपिक. The mode of nutrition, ये definition भी है, इसे definition भी याद रखना है. ये पूछा जाता है what is autotrophic, what is heterotrophic, ये पूछा जाता है. और mode of, define mode of nutrition. तो इस तरह से one by one करके आपको ये define करना होगा. The mode of nutrition in which organisms make food, वो खुद से अपना बनाते हैं भोजन. ओके, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, जो उसे आसपास के सराउंडिंग से मिल जाए उसी से वो अपना भोजन बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके, तो उसका एग्जाम्पल में क्या है हमारा? प्लांट्स. प्लांट जो है वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं. पहले तो यहाँ देखते हैं ऑटोट्रॉपिक. ऑटो को, ये जो ऑटोट्रॉपिक है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया. ऑटो मीन्स सेल्फ, यहाँ ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा. ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, सेल्फ. और फिर हमारा है ट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स. ये जो ट्रॉप्स है ये ऑटो मीन्स ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ. यहाँ ये जो ट्रॉप्स है, ट्रॉप्स मीन्स हो गया नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट, खुद को नरिश करना, सेल्फ अपने आप. तो वो क्या हो गया हमारा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका नरिशमेंट. ये हमेशा याद रखना है. ऑटो मीन्स सेल्फ, हेट्रो मीन्स जो दूसरे के ऊपर, हेट्रो मीन्स दूसरे के ऊपर. या फिर इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. हेट्रो ट्रॉप्स का इसका एग्जाम्पल देखते हैं. एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर बाय प्लांट. जो प्लांट के द्वारा बनाए गए भोजन को लेते हैं,
रेडीमेड फूड उनसे ले रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरों से अपना खाना, जो प्लांट से कर या किसी और माध्यम से रेडीमेड खाना ले रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स, द प्लांट्स दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। ओके, हेटरो मीन्स अदर, या हेटरो मीन्स क्या हो गया? अदर। यहीं पर ये समझ में आ जाना चाहिए। ऑटो मीन्स जो खुद से अपना खाना ले रहे हैं, बना रहे हैं। ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो हुए हेटरोट्रॉप्स। ओके, तो यहाँ हमने पीछे में देखा जो, वो क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को यहाँ हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? न्यूट्रिशन इज द, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। ये क्या है? एक मोड है, खाना लेने का एक मोड है बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ओके, क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन को डिफाइन करने बोला जाए तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हमारे हैं? तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड जिस एंड एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। तो हमारे ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हो गए प्लांट्स, और हेटरोट्रॉप्स में हम खुद आते हैं ह्यूमन बींग, एनिमल्स, ये सब हेटरोट्रॉप्स वाले में आते हैं। ओके, तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। हम यहाँ देखते हैं ऑटोट्रॉप हो गया, हेटरोट्रॉप हो गया। अब इसमें से एक तो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये सनलाइट और क्लोरोफिल आगे अभी फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस में ये पढ़ेंगे। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गन दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ओके, तो ये सब होने से, प्रोसेस होने से क्या बनता है? प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ओके, फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन अ सर्टेन पार्ट्स। कोई एक ही पार्ट पे होता है फूड बनता है, या फिर सारे पार्ट्स में उनका बनता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके ग्रीन पार्ट यानी लीव्स में उसका मोस्टली भोजन बनता है। बट इन डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट में जहाँ कैक्टस होते हैं, कैक्टस वाले में, उसमें तो अगर स्केली स्किन उसका होता है, लिप्स नहीं होता है, तो उस जगह में जहाँ ग्रीन पिगमेंट होना उनका, तो वहीं पे उनका भोजन बनने का प्रोसेस होता है। ओके,